गुड इवनिंग टू ऑल। और आप बस थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट जो कि हर साल काफ़ी देखा जाता है पूरे जोश और खरोश से, जी बिल्कुल ठीक, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की, जो कि अबाउट टू स्टार्ट इन लाइक 50 मिनट्स। और आज सीरीज का लीग का ओपनर है, जिसमें मुंबई इंडियंस टेकिंग ऑन रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, और मुंबई इंडियंस आरसीबी के साथ टेक ओवर करेगी रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली। बहुत बड़ा मैच होगा। पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्क्वाड के, आईपीएल के इस एडिशन में क्या स्क्वाड रखा गया है, किस टीम ने कौन से प्लेयर्स लिए हैं, किसकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, किसका बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, किसका बैटिंग अच्छा है, और ओवरऑल टीम कंपोजिशन के साथ किस टीम के किस फ्रेंचाइज के जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। और उसके बाद हम जो ओपनर है मैच आज का हमारा पहला, मुंबई इंडियंस और आरसीबी, उनकी बात करेंगे और देखते हैं कि किस टीम का पल्ला भारी हैड टू हेड कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो वीडियोज़ आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स, लेटेस्ट आईपीएल मैचेस मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स के, इनके पास किस टाइप के प्लेयर्स मौजूद हैं, कैप्टनसी कौन इनकी कर रहा है, पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर टीम पे देखें तो इनके पास एमएस धोनी इनके कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन, इसके अलावा इन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स हैं जवान मोइन अली को लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका हो सकता है इंक्लूजन, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट टाइम आरसीबी में खेले थे, इस जगह चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे। के एम आसिफ हैं, जैसन बेरनडॉफ हैं, भक्ति वर्मा, डैन ब्रावो, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है T20 के, अराउंड द ग्लोब किसी भी लीग में चले जाएँ T20 के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, काफ़ी टाइम से स्टिक हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ। धोनी काफ़ी ज़्यादा इन पर डिपेंडेंट होते हैं, रिलाई करते हैं, काफ़ी मौके दे रहे हैं, तो आई बिलीव के अच्छे फाइंड है और इस दफ़ा भी अच्छा चेन्नई सुपर किंग के लिए रहेगा। इसके अलावा दीपक चाहर हैं, सैम करन बहुत अच्छी फॉर्म में है, लास्ट अभी मैच जो उनके हुए हैं उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा वन साइड मैच पिक बना लिया था और बड़ा अच्छा प्ले किया, अराउंड आई थिंक 90 आउट रन बनाए, और इवेंचुअली इंग्लैंड मैच हार गया था, लेकिन द वे ही प्लेड दैट वाज एक्सेप्शनल। तो सैम करन की फॉर्म में अच्छा ओवरसीज प्लेयर इनको मिला है इस दफ़ा, फैफ डुप्लेसिस एक्सपीरियंस रखते हैं, रजतराज गायवाद हैं इनके पास, और गौथम, निशांत, इमरान ताहिर हमेशा की तरह काफ़ी हैंडी रहते हैं किसी भी लीग में खेलें, और रविंद्र जडेजा प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर, नारायण, जेदिसान, नेगीडी जो कि साउथ अफ्रीका के पेस बॉलर हैं वो भी इस दफ़ा इनका पार्ट होंगे, पुजारा को लिया गया है जो कि स्पेशलिस्ट हैं टेस्ट बैट्समैन, लेकिन माना जाता है कि T20 में भी इनका काफ़ी हैंडी ना हो सकता है चेन्नई को, देखते हैं चांस इनको कब मिलता है, लेकिन इफ़ मिला तो माइट बी अवेल करेंगे, अच्छे प्लेयर हैं। सुरेश राणा की वापसी हुई है, लास्ट ईयर भी आईपीएल का पार्ट थे, लेकिन ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज ही वॉन्ट टेक अ पार्ट ऑफ आईपीएल, तो इस दफ़ा दोबारा हमें नजर आएंगे, काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी टाइम तक टॉप रन गेटर रहे थे, आई थिंक अब ये सेकंड या थर्ड नंबर पे गए हैं। रायदू हैं इनके पास, रेडी हैं, और साई किशोर हैं, मिचेल सांटा न्यूजीलैंड के स्पिनर इन्होंने ओवरसीज लिए हैं, किरण शर्मा, शार्दुल ठाकुर, रॉबिन उथप्पा, हेजल वुड और स्टीफन फ्लेमिंग इनके हेड कोच होंगे, तो काफ़ी बैलेंस साइड्स है हमेशा की तरह, काफ़ी फाइनल खेले हैं धोनी 11, लास्ट टाइम काफ़ी बॉटम पे था और इतना इंप्रेसिव शो नहीं दिखाया, देखते हैं इस दफ़ा किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं और कहाँ पे चेन्नई सुपर किंग को स्टैंड करते हैं। अगली टीम डिस्कस करते हैं दिल्ली कैपिटल्स, जो कि लास्ट टाइम भी काफ़ी प्रॉमिसिंग थी, काफ़ी अच्छा खेले और उसके बाद ऑन एंड ऑफ में इनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन काफ़ी यंग टीम है, अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, इनके कैप्टन इस दफ़ा चेंज हुए हैं, रिश्वत पेंट को कैप्टनसी मिली है अय्यर की जगह, और देखना ये किस तरह लीड करते हैं, काफ़ी हैवी वेट स्क्वाड है इनका भी, स्क्वाड पर नज़र डालते हैं, पेंट इनकी कैप्टनसी कर रहे हैं, इसके अलावा रवि चंद्रन, अश्विन इनके पास, अवेश खान है, सैम बिलिंग्स हैं, टॉम करन है, शिखर धवन है, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं शिखर धवन आईपीएल में भी और वैसे इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रवीण दुबे हैं, शिमरन हिकमेर हैं, मरविया, अमित मिश्रा, नोकिया साउथ अफ्रीका के बड़े प्रॉमिसिंग बॉलिंग बॉलर हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अक्षर पटेल, रिजपाल पटेल, रबादा भी इनके पास हैं, तो पेस अटैक डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स का काफ़ी अच्छा होगा, अजिंक्य रहाणे के साथ ईशांत शर्मा, पृथ्वी शाह, सिद्धार्थ, स्टीव स्मिथ इस दफ़ा दिल्ली कैपिटल्स में आए हैं अपनी लास्ट फ्रेंचाइज से, और मार्कस टोनिस, विनोद, क्रिस वोक्स, ललित यादव, उमेश यादव, शहरयार अर्शद, रिकी पॉन्टिंग के हेड कोच है, काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस इनके टीम से कि दे विल परफॉर्म वेल और टाइम विल टेल के हाउ दे परफॉर्म। अगली मूव करते हैं कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ, जो कि हमेशा से काफ़ी अच्छा स्क्वाड रहा है और काफ़ी इनमें भी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स रहे हैं फ्रॉम एवरी ईयर,
तो इयन मॉर्गन के कैप्टन है, जो इंग्लैंड के कैप्टन भी हैं, वीवीआई अरोड़ा, पैट कमिंस, बेन कटिंग, फ्रैक्सन, गुरजीत सिंह लास्ट टाइम भी इनका पार्ट थे, आई थिंक किंग्स इलेवन को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हरभजन सिंह इनमें आए हैं, और वनकदेश अय्यर, शेल्डन जैक्सन, दिनेश कार्तिक काफ़ी प्रॉमिसिंग विकेट कीपर, जरूरत पड़ने पर रन भी काफ़ी करते हैं, कैप्टन भी इनके रह चुके हैं, कुलदीप यादव, नागरबोती, कौरव नायर, सुनील नारायण, नेगी, कृष्णा, एंड्रे रसल, राणा, वॉरियर, सेफरेट, शाकिब हसन, मावी और शुभमन गिल जो कि इनके ओपनर हैं, टेस्ट में काफ़ी अच्छा प्रूव किया, और वरुण चक्रवर्ती, रिकू सिंह और ब्रेंडन मैकलम इनके हेड कोच हैं, जो कि आईपीएल के पहले सीजन में बड़ा धमाकेदार आगाज़ किया था और 150 और रन किए थे, तो ये भी काफ़ी हैवीवेट स्क्वाड्स में मौजूद है। अगली बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जिनका आज ओपनिंग मैच भी है और 5 दफ़ा टाइटल जीत चुके हैं, तो काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा। स्क्वाड डिस्कस करते हैं, रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं, इसके बाद अनुप्रमित सिंह हैं, ट्रेंट बोल्ट इनके पेस अटैक बॉलर हैं, अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह जो कि आके इनका साथ देंगे, राहुल जा रहे हैं, पीयूष चावला हैं जो काफ़ी सीजन्स पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं डिफरेंट आईपीएल की फ्रेंचाइज को, नेथर काउंटन लाइल और क्विंटन डिकॉक इनका पार्ट होंगे, माइट बी क्विंटन डिकॉक आज का मैच ना खेल पाए बिकॉज ही जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका और क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं, ईशान किशन है बड़ी अच्छी फॉर्म में, बड़ा अच्छा यंगस्टर है, और मार्को जैनसन, कुलकर्णी, क्रिस लिन की एडिशन है, तो आई बिलीव क्रिस लिन को शायद आज चांस मिले इन प्लेस ऑफ क्विंटन डिकॉक जो कि साइड का प्लेइंग 11 का पार्ट माइट भी आज ना हो। इसके अलावा मोहसिन खान, जेम निशम, हार्दिक पांड्या, पांड्या ब्रदर्स इनके साइड्स काफ़ी स्टिक कर रहे हैं, कुणाल पांड्या, केरन पॉलार्ड का काफ़ी रोल होता है मुंबई इंडियंस में, अंकुल राय, आदित्य तारे, शुभम तुरावी, अर्जुन तेंदुलकर, लेट्स सी इनको चांस मिलता है कि नहीं, लेकिन मुंबई इंडियंस के स्क्वाड का पार्ट जरूर है। जयतन राधा, सूर्या कुमार यादव को जरूर कहूंगा कि लास्ट ईयर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग थे और मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी वाइटल प्ले करते हैं, यदि और महिला जयवर्धन इनके हेड कोच है। अगली टीम पे मूव करते हैं जो कि है पंजाब किंग्स स्क्वाड, पहले किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से थी, अब ये के पंजाब किंग्स स्क्वाड है जिसमें केएल राहुल के कैप्टन हैं, लास्ट टाइम के बेस्ट परफॉर्मर्स थे फ्रॉम बैटिंग परस्पेक्टिव, काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे और लीडिंग रन स्कोरर रहे थे, अलॉन्ग विद हिम माया खान अग्रवाल हैं, फेबलेंस एलन है, अर्शदीप सिंह हैं, मुरगुन अश्विन हैं, क्रिस गेल को उन्होंने शुरू में बिठाया था लेकिन उसके बाद जब 5 मैच के बाद खिलाया तो उनकी फॉर्म ही कुछ और थी, तो उन्होंने सस्टेन किया है क्रिस गेल को, हरप्रीत ब्रार हैं, मोहसिन हर्निक्स हैं, दीपिक हुडा, क्रिस जॉर्डन, सरफराज खान, डेविड मलान, मनदीप सिंह, मलान वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन तो काफ़ी इनको फ़ायदा हो सकता है, रेली मजीद हैं, मोहम्मद शामी हैं, दर्शन नालकांडे, निकोलस पूरन एंड वन अदर गुड बैट्समैन फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ईशान पोरल, प्रभमिशन सिंह, रवि पिशोनी, जायल रिचर्डसन, सोबत कुमार, दिलक सक्सेना, शाहरुख खान और उत्कर्ष सिंह और इनके कोच हैं अनिल कुंबले जो कि काफ़ी फ्रेंचाइज को एज अ कोच और प्लेयर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आरसीबी का भी पार्ट थे टाइम पे। नाउ मूव्स टुवर्ड्स राजस्थान रॉयल्स जो कि फर्स्ट ईयर के चैंपियंस हैं और पैचेस में परफॉर्म देते हैं, अच्छी टीम है इनकी, अच्छी टीम कंपोजिशन है, अच्छे प्लेयर्स लाते हैं, लेट्स सी कि इनके पास कौन है, आकाश सिंह, अनुज रवा, जोफर आर्चर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, जॉस बटलर, के सी कैरपिया, शिवम डूबे और इनके बाद देखा जाए तो शरियाज गोपाल, याश्विल जायसवाल, कार्तिकल तागे, लियाम लिविंगस्टोन काफ़ी लीग्स में एक्टिव रहते हैं, लिविंगस्टोन को हमने देखा पीएसएल में भी थे, माहीपाल नवार, माइकल मार्कांडे, डेविड मिलर, क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीकन्स काफ़ी हैं इनके पास, मुस्तफ़ीज़ रहमान, रियान पारागाद, चीतन सरकिया, संजू सैमसन बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बैन स्टोक्स हैं इनके पास, राहुल तिवारी हैं, एंड्रयू ताई हैं, उनकट हैं, मानू वड़ोड़ा हैं, कुलदीप यापर और एंड्रयू मैकडोनल्ड इनके हेड कोच होंगे। बात करते हैं एक और जिनका आज ओपनिंग मैच भी खेला जाएगा, आरसीबी, बहुत अच्छी फ्रेंचाइज, काफ़ी लोग इसको काफ़ी टाइम से काफ़ी रेट करते हैं, आगे तक जाते हैं, कभी बीच में लेट डाउन हो जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों पर मुश्तफ़ है लेकिन बड़े खिलाड़ियों के साथ टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से अच्छे प्लेयर लिए उन्होंने, कैप्टन इनके विराट कोहली, फिन एलन, सचिन भारत, युजवेंद्र चहल जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, डेल क्रिस्टन इनके पास आए हैं, इसके अलावा पवान डैशपेंड्स हैं, ए बी डिविलियर्स का नाम है जो कि आरसीबी के साथ काफ़ी टाइम से स्टिक है, काइल जेमिसन, ग्लेन मैक्सवेल को इंडक्ट किया है इन लोगों ने लास्ट टाइम किंग्स इलेवन पंजाब का पार्ट थे, काइल जेमिसन, मोहम्मद अजहरुद्दीन विकेटकीपर बैट्समैन, मोहम्मद सिराज, पाटिकल जो कि इनके ओपनर हैं काफ़ी इंप्रेसिव हैं, हराश पाटिकल, रजात पटित, सियोसुल प्रजानी और केन रिचर्डसन, सचिन बेबी, शहबाज अहमद, नवीद सैनी, डेनियल सैम्स, वशिंदर सुंदर, ये इनका काफ़ी देखने को मिलेगा कि किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रहती है, काफ़ी इंप्रेसिव है वैसे विद द बैट और बॉलिंग ऑलराउंडर है सॉर्ट ऑफ, एडम जैम्पा इनके पास, जोस फिलिप्स, साइमन कैटिच इनके हेड कौन है।
इसके बाद बात करते हैं जो हमारी लास्ट फ्रेंचाइज है और काफ़ी इस टाइम इससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, और आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट टू विन द कंटेंडर्स इज सनराइजर हैदराबाद, जिसका टॉप ऑर्डर तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जिसमें डेविड वार्नर के कैप्टन हैं, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, खलील अहमद, जॉनी बेस्ट्रो, पासिल थाम्पी, प्रियाम गारक, श्रीवास गोस्वामी, जेसन होल्डर, केदर जादव, सिद्याल, बुनवाश्कर कुमार, मोहम्मद नबी, मुजीबुररहमान, शहबाज नदीम, नतरजन, मनीष पांडे, राशिद खान, जैसन रॉय, वृजन साहा, संदीप शर्मा, विजय जगसाता, सुसिन, विराट सिंह, केन विलियमसन, मिशेल मार्च, और इनके जो कोच हैं वो ट्रेवर बेलेस हैं। तो ये तो था पूरा स्क्वाड, और अब देखते हैं ये कि आज का जो पहला मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उसका क्या प्रीव्यू है, कौन सी टीम का परला भारी है। मेरे ख्याल से हेड टू हेड दोनों के तकरीबन 27 मैच हुए, जिसमें 17 पे कामयाबी आई मुंबई इंडियंस को, और 7 मैच सिर्फ 10 मैच जीत चुका आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। दोनों में हैवी वेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे अगर विराट कोहली है तो यहाँ रोहित शर्मा है। तो देखना यह है कि कौन सी टीम नर्व्स पे काबू रखती है और आज का पहला मैच जीतती है। मुंबई इंडियंस के लिए ये है कि 2013-14 से अभी तक अपना कोई पहला मैच अभी तक उन्होंने जीता नहीं है सीरीज़ का और लीग का, उसके बाद काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म करते हैं, और विराट कोहली की टीम हमेशा से काफ़ी हैवी वेट्स पर रही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत रही हैं उनसे, लेकिन अभी तक कोई टाइटल नहीं जीत पाई। और मुंबई ऑन द अदर हैंड्स 5 दफ़ा चैम्पियन बन चुका है, तो देखना ये है कि किस तरफ मैच जाता है और कौन सी टीम लेके जाती है ये मैच। और मैच शुरू होगा 7 बजे, और बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि क्विंटन डिकॉक आज नहीं खेले तो उनकी जगह कौन जो है वो ओपनिंग करेगा। तो क्रिस लेन का नाम भी सुनने में आ रहा है कि क्रिस लेन विल ओपन फॉर मुंबई इंडियंस, और टाइम विल टेल, थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा और किस तरफ मैच जाता है। दोनों के पास अच्छे नामी ग्रामीण प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर प्लेयर्स टू वॉच पर हम बात करें तो बेसिकली जो मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया है उस पर देखा जाए तो जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि दोनों के पास काफ़ी हैवी वेट्स मौजूद हैं, लेकिन ऑन पेपर्स अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5 इंकाउंटर्स वगैरह में भी थोड़ा सा पल्ला मुंबई इंडियंस का भारी रहा है। और प्लेयर टू वॉच में ईशान किशन है और सुरैया कुमार यादव है मुंबई इंडियंस की साइड से, और चांस मिला तो क्रिस लेन जो कि हार्ड हिटर है, चेन्नई का विकेट है, इतना कोई स्विंग स्विंग अर्ली ऑन नहीं होगा, तो इट कैन बी इफेक्टिव। ऑन द अदर हैंड्स आरसीबी में 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो आपके विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की फॉर्म में है, और उसके बाद मैक्सवेल उनको ज्वाइन करेंगे, काफ़ी अच्छा है बॉलिंग में। चहल आरसीबी के पास हैं, सराज हैं, तो उधर जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट हैं, बहुत ही मज़े और करारा मैच होगा। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बहुत टॉस इतना शायद मैटर ना करे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जब आपके हैवी वेट्स हों और चेजिंग भी इतना कोई मानी नहीं रखती, नर्व्स की गेम ज़रूर होगी, प्रेशर होगा, देखते हैं कि प्रेशर कौन सस्टेन करता है और किस हद तक उस प्रेशर को सस्टेन करके अपनी टीम के लिए कौन इफेक्टिव साबित होता है। यंगस्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम प्रेशर भी होगा और रिलाई भी करेंगी दोनों फ्रेंचाइजेस, बिकॉज दोनों के पास काफ़ी यंग प्लेयर मौजूद हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा मुंबई की लाइनअप पे भी काफ़ी यंगस्टर्स हैं अलॉन्ग विद जो आपका आरसीबी है, और पास्ट हेस्ट वेट में देखा जाए तो शुरू में थोड़ा सा लैग करता है मुंबई इंडियंस अर्ली मैचेस में, और अब इस तरह मैंने पहले भी बताया कि कोई पिछले 7-8 साल से वो अपना ओपनिंग मैच नहीं जीत रहा, बीच में बड़ा अच्छा कमबैक करते हैं, बड़ा अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन अर्ली ऑन कोई इतने इफेक्टिव नहीं है। तो देखना ये किस हद तक ये मैच आज का इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है वैसे आईपीएल का, तो हर मैच इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो सीरीज लीग का आगाज अच्छा हो गया तो डेफिनेटली चांस है कि उस टीम को एक मोमेंटम मिल जाएगा और चांसेस आर देयर के फिर आपका स्टार्ट एक विनिंग कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो आपको प्लेयर्स का भी आइडिया हो जाता है कि कौन किस टाइप का प्लेयर है, कितना इफेक्टिव प्लेयर है और कहाँ पे वो टीम स्टैंड कर रहा है। तो लेट्स सी कि हाउ इट गोज, और कुछ देर में भी टॉस होगा, उसके बाद मैच शुरू हो जाएगा, और पहला मैच है आईपीएल के 14th एडिशन का विच इज़ अबाउट टू स्टार्ट शॉर्टली, तो लेट्स सी हाउ इट गोज, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। और प्रेडिक्शन वाइज पूछें तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा इस टाइम लग रहा है कंसिडरिंग स्क्वाड्स मुंबई इंडियंस थोड़ी सी फेवरेट है, आरसीबी के बाद हैवी वेट्स हैं, लेकिन जो ऑलराउंडर की डेप्थ है मुंबई इंडियंस के पास इन लाइट्स ऑफ हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, केलॉन पेलॉट, तो उससे लग रहा है कि थोड़ा सा एज 50-40 मुंबई इंडियंस के साथ जाएगा, और मेरी प्रेडिक्शन भी मुंबई इंडियंस के साथ है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे फर्दर अपडेट्स एंड कीप प्रमोटिंग, और आईपीएल के हर मैच के लिए मैं आऊँगा, और आप लोगों में से कोई भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, आई विल हैव अ ग्रुप सेशन विद देम, एंड टिल देन टेक केयर।